गुरु भगवान की शुक्राने है, गुरु भगवान को नमन है। आज हम कार्तिक मास के बारे में कुछ विधि निषेध और उसका पुराना इतिहास क्या है उसके बारे में बताएंगे। कार्तिक मास शुरू होता है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, और वृंदावन में पाप अंकुशा एकादशी से देव उठान एकादशी तक मनाया जाता है। इस मास में खास महत्व होता है, आप सूर्य उदय से पहले 3-4 बजे स्नान करके, अगर आप किसी गंगा में या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के और गंगा की भावना करके उसमें नहा लें, और नहा कर तुलसी के आगे दीप जला दें, और उसके बाद 11 से लेकर 108 परिक्रमा तुलसी की करें। इसमें तुलसी की परिक्रमा करने का, तुलसी की पूजन करने का बहुत महत्व है, और दीपदान करने का। इसके पश्चात आप बैठकर जप आदि करें, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, पर कम से कम एक ग्रंथि यानी 16 माला तो करें ही। एकांत स्थान में बैठकर भगवान कृष्ण का, राधा रानी का ध्यान करते हुए करें। इस माह में राधा कृष्ण का पूजन, विष्णु पूजन का बहुत महत्व है। दूसरा इसमें महत्व है दान पुण्य का। जो भी दान पुण्य किया जाता है इस माह में उसका 1000 गुना फल मिलता है, और सबसे श्रेष्ठ इस माह में अन्नदान है। आप जितना लोगों को अन्न आदि का दान करेंगे, और कुछ भी गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, क्योंकि इस समय जाड़े की शुरुआत होती है तो भक्तों को वस्त्र दान करने का भी बहुत महत्व होता है। फिर इस माह में विशेष बात होती है, विशेष कि ये भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाने का मास माना जाता है, और ये सारे महीनों में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और ये विशेष भगवान से प्रेम बढ़ाने का महीना है। और इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, और इसमें दामोदर अष्टकम गाने का भी विशेष महत्व है। फिर इस महीने में बहुत से लोग एक टाइम प्रसाद पाते हैं और भूमि पर शयन करते हैं, इससे जीवन में सात्विकता आती है और शरीर जो है वो स्वस्थ होता है, और भजन में ज़्यादा मन लगता है। सेवन का बहुत महत्व है, तुलसी पत्रों का प्रसाद पाएं, और आंवले के प्रसाद पाने का भी बहुत महत्व है, आंवले के सेवन का। आंवला विशेषकर इसमें ग्रहण किया जाता है, और आंवले के वृक्ष की भी परिक्रमा करके उसका भी पूजन किया जाता है। अब इसकी पौराणिक महत्व क्या है, इसको दामोदर मास भी कहते हैं, और जो भगवान की दामोदर लीला है वो इस महीने में हुई थी। हम लोग सभी जानते हैं दामोदर लीला के बारे में, कि मैया जो है वो बाल कृष्ण का ध्यान करते हुए, उन्हीं का गुण गाते हुए, उन्हीं की बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए, उन्हीं के लिए कर्म करते हुए, मन वचन कर्म से वो भगवान में ही लगी हुई थी और भगवान का ही गुणगान कर रही थी। तो भगवान कृष्ण सो रहे थे, तो सोते सोते उनको लगा कि मैया जो है बड़े प्रेम से मेरा गान कर रही है, तो एकदम वो कूद कर मैया की गोदी में चढ़ गए। तो मैया ने उन्हें रोका भी कि नहीं नहीं, मैं अभी ज़रा माखन तो निकालूँ, तो उन्होंने मैया का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, जो मन वचन और कर्म से मेरे में लगा हुआ है तो उसके सब कर्म पूर्ण हो गए, अब उसको मेरे प्रेम की प्राप्ति हो गई, अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है। कन्हैया ने उनका हाथ पकड़ लिया, अब मक्खन मत निकालो, और उनका दूध पीने लगे। अब मैया जो है उन्होंने देखा कि ये दूध पी रहे, मैया भी बड़ी खुश हुई, कभी मुस्कुरा के कन्हैया की तरफ देखें, कन्हैया उनकी तरफ देखें। तभी मैया ने देखा कि सामने जो है वो दूध उबल रहा है, तो मैया ने कन्हैया को तो एक तरफ रख दिया और खुद दूध बचाने चली गई। तो कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूध है, तो उन्होंने एक बट्टा रखा हुआ था उससे वो पूरी मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बिखर गया, और वो भाग गए दूसरे कमरे में। वहाँ रखा हुआ था मक्खन तो लिए बंदरों को खिलाने, अब वो उनके जो पद चाप थे वो बन गए थे, माखन पे चल के गए थे। तो मैया समझ गई इस कमरे में, तो गई देखा मैया ने कि वो तो बंदरों को माखन खिला रहा है, तो मैया को आया गुस्सा, तो मैया संटी लेकर भागी उनके पीछे, आगे आगे कन्हैया, वो पीछे पीछे मैया। तो जब पकड़ लिया मैया ने उनको,
तो कन्हैया रोने लगे, ऐसे ऐसे मलमल की आंखें और उन सब काजल फैल गया उनका और बड़ा दिखाने लगे, लीला करने लगे। तो बोले जो त्रिभुवन नाथ हैं वो आंखों में काजल फैला के और आंसुओं से रो रहे हैं और मैया से डर रहे हैं, क्या लीला है। फिर मैया ने कहा कि अब बहुत शैतानी कर ली इसने, मैं इसको बांध देती हूँ। तो वहीं उखल पड़ी थी मैया ने उसको बांधने की कोशिश करी, अब वो बंधे ही ना, बार बार दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। तो मैया ने सारे गोकुल की रस्सियाँ मंगा ली पर वो बंधे ही ना। मैया ने अपनी जूड़े की डोरी भी निकाली फिर भी ना बंधे। तो जब कन्हैया ने देखा कि मैया पसीने पसीने हो गई और हार गई है, थक गई है, तो कन्हैया बंध गए। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने अहंकार को गंवा देते हैं, दैन्य आ जाता है, हार जाते हैं, तो भगवान बंध जाते हैं, माने हमारे प्रेम में बंध जाते हैं। अब जैसी मैया बांध के गई तो कन्हैया को तो अपनी लीला करनी थी, और खिसकने लगे आगे। और यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, उनको भगवान ने उखल से पकड़ के रस्सी को जोर से खींचा, तो जैसे ही खींचा वो दोनों वृक्ष फड़ाक से गिर पड़े। वो तो भगवान है साक्षात, 1000 वर्ष पुराने वृक्ष थे और उसमें से यमला अर्जुन जो थे वो प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने भगवान का स्तुति करी, पूजन करा और उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। अब ये कौन थे यमला अर्जुन? ये यक्ष के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। तो इनको बहुत अहंकार था कि हम यक्ष के पुत्र हैं। तो ये गंगा जी में स्नान कर रहे थे और अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब ये भी नग्न अवस्था में थे, अप्सराएं भी नग्न अवस्था में थी, पर नारद जी और परशुराम जी को देखकर अप्सराओं ने तो वस्त्र ढक लिया, पर ये ऐसे छाती तान के खड़े हो गए। तो नारद जी को बड़ा खराब लगा, उन्होंने कहा ये तो पुत्र हैं दया के, इन पर तो दया करनी चाहिए। अब दया क्या कब करते हैं संत लोग? जब उसको कोई ना कोई उसकी घृष्टता की सजा देते हैं, वो उनकी दया होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम जड़ के समान खड़े हो गए हो, तो श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। फिर जब वो बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं तो कहते हैं तुम कन्हैया के आंगन में वृक्ष बनकर खड़े होना, वहाँ उनकी लीलाएँ देखना, और तुम पर अनेक पशु पक्षी आकर विश्राम पाएंगे और कन्हैया की लीला देखेंगे। तो इससे उनका सारे पाप कट गए और भगवान ने उनका उद्धार किया। ये कथा इस मास में, क्योंकि इसको दामोदर मास भी कहते हैं, इसमें दामोदर अष्टकम गाया जाता है। दूसरी कथा जो हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें गोपियां जो है कात्यायनी व्रत रखती थी और भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए, उनको वो पति रूप में प्राप्त करें और उनके प्रेम की प्राप्ति हो। वो तारों की छाँव में आती थी, यमुना स्नान करती थी और भगवान कृष्ण के लिए कोई प्राप्ति के लिए पूजन करती थी। तो ये मास जो है खास माना जाता है कि वैष्णव भी इसमें तारों की छाँव में स्नान करें और भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए इसमें भजन करें। इसमें भजन का भी कई गुना फल मिलता है। फिर इसमें तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व है। तुलसी की पौराणिक कथा क्या है कि तुलसी का जो पौधा है, पूर्व जन्म में एक लड़की था जिसका नाम वृंदा था, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो वृंदा ने कहा कि मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और भगवान विष्णु का पूजन करूंगी तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो व्रत में वो बैठ गई और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। अब जब देवता लोग हारने लगे और राक्षसों को जीत नहीं पा रहे थे तो भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी परम भक्त है वृंदा, वो मेरा पूजन कर रही है और वो व्रत धारण करके बैठी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा भगवान आपको तो हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भगवान मान गए और वो उसके पति जालंधर का रूप धारण करके प्रकट हो गए। तो जैसे उसने देखा कि जालंधर आ गए तो एकदम व्रत से उठ गई, पूजा से उठ गई और भगवान के चरण स्पर्श किए। तो जैसे ही उसका व्रत टूटा तो जालंधर का सिर आके वृंदा के कक्ष में गिरा। तो उसने कहा अरे जालंधर का सर तो ये, और ये कौन है?
तो फिर बहुत क्रोधित हुए, श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ। तो हाहाकार मच गया सब जगह कि ये क्या, लक्ष्मी जी रोने लगी, सब देवता रोने लगे, हाहाकार मच गया। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, उनको वही रूप दे दिया भगवान को और अपना श्राप वापस ले लिया। अब वृंदा जो है अपने पति के साथ सती हो गई। तो जब वो सती हो गई तो उसकी जो राख थी उसमें से एक तुलसी का पौधा निकला। भगवान ने कहा कि ये तुलसी का पौधा जो है मैं इसको मान दूंगा, कोई भी प्रसाद मैं बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करूंगा। और देवउठान एकादशी के दिन शालिग्राम को रखा जाता है तुलसी में और इनका विवाह मनाया जाता है। तो इसीलिए इस मास में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। फिर दिवाली से एक दिन बाद गोवर्धन लीला मनाई जाती है। ये भी कार्तिक मास में दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। गोवर्धन लीला आनंद देने वाली है। हर बरस की तरह नंद बाबा आज भी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो बालकृष्ण ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा, तो उन्होंने कहा कि मैं इंद्र के यज्ञ के पूजन की तैयारी कर रहा हूँ। तो नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा इंद्र ने आपको कभी दर्शन दिए, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये गोवर्धन तो प्रत्यक्ष है, यही हमारी गैयाओं को घास देता है, इसी से वर्षा होती है, यही हम सब कुछ हमको देता है, तो हम इसी का पूजन करेंगे। तो नारद जी तो हैं ही भक्ति बढ़ाने वाले, तो उन्होंने जाके इंद्र से कहा देखा तेरी पूजा बंद करा दी और उसकी पूजा कर रहा है गोवर्धन की। तो इंद्र को आया क्रोध, उसने अपने मेघों को आज्ञा दी कि तुम लोग सब उस पर टूट पड़ो ब्रज पर और सब का नाश कर दो, डुबो दो ब्रज को। मेघों ने ब्रज पर हाहाकार मचा दिया, सभी भयभीत हो गए, नंद बाबा भी व्याकुल हो गए। तो कन्हैया ने कहा आप लोग चिंता मत करिए, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे धारण कर लिया, सभी से कहा आप लोग इसके नीचे आ जाओ। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। ग्वाल बालों ने सोचा कन्हैया अकेला थक जाएगा और उन्होंने अपनी लाठी भी लगा दी और कहा कन्हैया तुम अपनी उंगली हटा लो। तो कन्हैया ने जैसी उंगली हटाई वो संभाल ही नहीं पाए पर्वत को, ऐसी हमको अहंकार होता है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है मैं अपनी कृपा हटा लेता हूँ, तो हमसे कुछ होता ही नहीं है। तो हर जगह भगवान की कृपा ही कृपा है, हमारी कोई हस्ती शक्ति है नहीं। तो 7 दिनों तक कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ और उनका अभिमान हवा हो गया। वे प्रार्थना करने लगे मेरी भूल हो गई, नाथ मुझे क्षमा करिए, और उसने मेघों को भी वापस ले लिया। इस लीला में भगवान जो हैं वो खुद ही उस पर चढ़ गए गोवर्धन के रूप में और खुद ही उसका पूजन कराया और खुद ही सारा प्रसाद पा लिया। आदेश दिया था भगवान ने कि सभी लोग सज सजा के खूब सारा मिठाई और खूब आदि चीज़ें लेकर परिक्रमा करें इसकी गोवर्धन की, और खूब उन्होंने प्रसाद पा लिया। तो उन्होंने कहा नंद बाबा से कि आप लोगों का कभी इंद्र ने प्रसाद पाया आपका, देखिए हमने कितना आनंद मनाया। तो इस दिन हम लोग जितनी भी सब्जियां होती हैं 56 भोग कहते हैं, वो सब सब्जियां एक साथ मिलाकर प्रसाद पाते हैं, और बाजरे का भात बनता है और कड़ी बनती है, तो इसको गोवर्धन के रूप में हम मनाते हैं। और इस दिन गोवर्धन की भी स्थापना की जाती है गोबर से, और उसका पूजन करा जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे करके गोवर्धन पूजा का भी बहुत महत्व है। तो ऐसे ये इसका ऐतिहासिक वो है। फिर से एक बार बताते हैं कि ये जो कार्तिक मास है ये प्रेम प्राप्ति का विशेष मास है। तो इसमें हम खूब भगवान का पूजन करें, तुलसी की परिक्रमा करें, और किसी को भी अपनी वाणी से कष्ट ना दें, बन पड़े तो सबको सुख दें, किसी को भी दुख ना दें, और खूब दान पुण्य करें। और अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो मानसिक दान भी कर सकते, मानसिक रूप से दान करें। और हर प्रकार के दान का महत्व है, खास करके अन्नदान का। धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं वो भी धनतेरस वाले दिन प्रकट हुए थे इसी मास में। गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, वो भी इसी दिन प्रकट हुए थे। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का पाठ करने का विशेष महत्व है।
एक बार सतभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे पति रूप में कैसे प्राप्त हुए। तो उन्होंने बताया, तुमने अपने पिछले जन्म में तुमने बहुत श्रद्धा प्रेम से एकादशी का व्रत किया और पूरी कार्तिक मास में तुमने गंगा स्नान किया और मेरा भजन किया, तो इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ हूँ। इसी महीने में दीपावली मनाई जाती है और राम जी अयोध्या वापस आए थे सीता जी लक्ष्मण जी के साथ, राम जी के आने की खुशी में मनाया जाता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। श्री कृष्ण।